प्रहलाद जी को जन्म क्यों मिला, प्रहलाद जी को इतनी प्रगाढ़ भक्ति क्यों करनी पड़ी। प्रहलाद जी का जन्म सनकादिकों का जन्म है। सनकादिकों को भगवान, जो भगवान का अवतार, उन्हें भक्त बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा? इसलिए कि उनसे एक गलती हुई थी जय और विजय के माध्यम से, और तब भगवान ने देखा, ये कहा कि ठीक है, लेकिन आपको मेरे जय और विजय के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप तो संत हैं। तो जब सनकादिकों, जो खुद भगवान का अवतार है, और वो इस विचार को देख रहे हैं कि भगवान जब भी जय विजय की बात करते हैं तो मेरा कहते हैं, मेरी, और हमसे चर्चा नहीं, तो इनका मेरा बनने के, जब ये मेरा कहने लगे तो क्या करना पड़ेगा? बोला भक्त बनना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रहलाद का अवतार हुआ। एक और दर्शन है इसमें, श्री प्रहलाद जी ने बोल दिया कि इस खंभे में से भगवान निकलेंगे, नारायण आएंगे, लेकिन सिर्फ प्रहलाद जी के कहने पे भगवान नहीं प्रकट हुए। प्रहलाद जी एक संत की वाणी को पूरा करने के लिए प्रकट हुए हैं। जब प्रहलाद जी सीख रहे थे तो एक दिन नारद जी से चर्चा, नारद जी सिखा रहे हैं, तो नारद जी कहते हैं कि और बताओ क्या जानना चाहते हो। तो प्रहलाद जी कहते हैं भगवान कहां मिलेंगे, तो नारद जी ने कहा भगवान सर्वत्र है। भगवान सर्वत्र है मतलब बोला कण कण में, वायु वायु में, क्षण क्षण में। प्रहलाद ने कहा सच्ची? बोला बिल्कुल। बोला मैं कभी पुकारूंगा तो आ जाएंगे? बोला बिल्कुल आएंगे। जरूरी नहीं है उसके लिए तुम्हें वैकुंठ जाना पड़े और ये करना पड़े। तो प्रहलाद जी ने जब कहा कि नारायण इसमें है, तो नारायण के लिए दो दर्शन थे, जिसमें एक तो भक्त कह रहा है और दूसरा एक ऋषि कह रहा है, एक संत कह रहा है। एक संत ने कहा था कि भगवान कहीं भी बुलाओगे आ जाएंगे, तो श्री नारायण के लिए भी ये व्यवस्था की कि चाहे अच्छा चलो भक्त तो मेरा है, लेकिन संत की बात झूठी नहीं हो सकती। और संत की बात को प्रबल करने के लिए भी नारायण ने अवतार लिया।